अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जान साहब की लास्ट एपिसोड का जो है प्रोमो आ चुका है। और हम लोगों को पता था कि 99% लोगों को तो ये पता था कि हैप्पी एंडिंग ही होनी है। प्रोमो देख के ऐसा लग रहा था कि बड़ी कुछ सैड एंडिंग होगी, रघुज नवीर दुआ को जो है मतलब वो साथ नहीं होंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हैप्पी एंडिंग ही हुई है। तो ड्रामे की एपिसोड की शुरुआत होती है रघुज नवीर और दुआ की मुलाकात से। दुआ जो बेचारे रघुज नवीर से मिलने आती, माफ़ी मांगने आती कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको देखने आई हूँ, मैंने जहर नहीं दिया था। वही वजाहतें, वही क्लैरिफिकेशन, सब कुछ। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो भी है गजनवी हमेशा की तरह जो है दुआ की बात का यकीन नहीं कर रहा होता है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। और बेचारी दुआ जो है उसको समझा रही होती है बार बार कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जो है एक दफ़ा वजाहत का मौका दें। ये वो वहाँ पर जो है आते हैं जी जाफ़र साहब, जो सरप्राइज़ एंट्री मारते हैं वहाँ पर। और जो है मेन रोल, मेन करेक्टर भी उन्हीं का था इस पूरे के पूरे गजनवी को साबित करने में कि दुआ बेकसूर है और उसने कुछ भी किया। इस सब सारे मामले में जो है जाफर ने एक बहुत ही अहम किरदार प्ले किया है। उसने क्या किया है कि जो भी दुआ का मंगेतर था पहले, जिसने कश्माला के साथ मिलकर दुआ के साथ इतनी गंदी गेम्स खेली, इतना कुछ किया दुआ के साथ, वो जो है उसको ले आया है, ठीक है, और सबके सामने पेश करता है। गजनवी के सामने सारे वहाँ पे होते हैं, गजनवी, उसके पेरेंट्स, दुआ, हाउस हेल्पर्स, लोग जो हवेली में काम करते हैं वगैरह वगैरह, सारे वहाँ पे खड़े होते हैं और सबके सामने जो है वो सबूत पेश करता है, और भी बहुत सारे कागज़ वगैरह पेश करता है, प्रूफ होते हैं उसके पास, मतलब विदाउट प्रूफ नहीं वो सब कुछ साबित करता, प्रूफ होते हैं उसके पास, जिससे सारा का सारा बात साबित हो जाती है कि दुआ वाकई बेकसूर थी और उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था। कश्माला का गेम था ये सारा, कश्माला ही कसूरवार है, उसने जो है गजनवी को जहर भी दिया। और यहाँ पे जो है ना कश्माला बजाय अपनी गलती मानने के, तस्लीम करने के, एक्सेप्ट करने के, पछताने के, जो है और ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है और उसका जो भी है ना होशावास ही नहीं रहते उसके, ठीक है, दिमाग ही नहीं काम करता, अकल ही नहीं होती उसके अंदर, और वो जो है ना शोर मचाना शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, दुआ के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है और दोबारा से जो है दुआ को डांट, मतलब दुआ के पीछे पड़ जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, ये सब झूठ है, ये है वो है। और उसको ये लग रहा था कि इस दफ़ा भी गजनवी मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गजनवी के सामने तो सारे सबूत थे, प्रूफ थे कि ये सब कुछ कश्माला ने किया है। तो वो जो है ज़ोर से ना कश्माला को पीछे धक्का देता और कहता है बस करो, अब मुझे सब मतलब सब कुछ समझ लग गई है कि कौन कसूरवार है कौन नहीं, तुमने ये सब जानबूझ के किया मेरे और दुआ के बीच में दूरियाँ पैदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुआ को बाहर निकालने के लिए, तलाक दिलवाने के लिए तुमने ये सब किया। और मतलब वगैरह वगैरह गजनवी के सामने जो है सारा का सारा सच सामने आ जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि दुआ जो है वो बेचारी बेकसूर ही थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना कश्मालों को ऐसा चपाटा पड़ता है ना, चपेट पड़ती है, थप्पड़ पड़ता है गजनवी की मामा से, और बड़े मजे का क्या हो गया, वो बड़े मजे का थप्पड़ वाला सीन होता है, मुझे बड़ा मज़ा आया जब कश्माला को जो है थप्पड़ पड़ता है। यहाँ पे जो है ना कश्माला चीखना शुरू हो जाती है और मान भी लेती है कि हाँ मैंने गजनवी को जहर दिया, हाँ मैंने ये सब किया, हाँ मैंने वो सब किया, मैं भी क्या करती, दुआ क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी में, उसको निकालने की कोशिश करी थी, ये था वो था। जो दूसरा दुआ का मंगेतर वो जो खामोशी से साइड पर खड़ा रहता है, ठीक है, और जो भी सारे के सारे सबूत हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। और जो भी गजनवी के पेरेंट्स वो बेचारे पछता रहे होते कि हम लोगों ने दुआ के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। दूसरी तरफ जो है दुआ भी सब कुछ देख रही होती, सुन रही होती है, और गजनवी को जो है फाइनली जो है दुआ की बेकसूरी पे यकीन आ जाता है। सरफराज मुझे लगता है शायद उसका नाम था, अब जो ड्रामा ख़त्म होने लग गया तो मुझे अब उसका नाम याद आ गया, उसका नाम है जी सरफराज, और जिसने धोखा दिया है, पहला सरफराज है जिसने धोखा दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गजनवी दुआ का जाहिर सी बात है इन दोनों के सीन के बगैर तो एपिसोड इनकम्प्लीट था, एंडिंग इनकम्प्लीट थी। तो इन दोनों का सीन दिखाते हैं और हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, और जो दुआ की बहन है जो हमेशा उसको कोसती थी, बुरा भला कहती थी, उसकी जो है ना अकल थोड़ी सी दिखा दी कि हाँ वो भी एक इंसान है, उसके जो है दिमाग में अकल है। तो बस यही थी इसकी एंडिंग अभी तक, ठीक है। ड्रामे की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ड्रामे की एंडिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। हाँ ये बात मानने वाली कि ड्रामा ना बीच में जाके थोड़ा बोरिंग हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, सोके क्या हो गया, फाइनली जो है ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो वैसे भी इसका प्रोमो बनाने का दिल नहीं करता, ज़बरदस्ती लगी होती थी। खैर, दैट्स इट, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पापा।